वेलकम इन्वेस्टर्स, वेलकम ट्रेडर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 29 अप्रैल 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम एक्सिस बैंक के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में हम आने वाले दिनों में किस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके ट्रेड को सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक्सिस बैंक का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक मंथली सप्लाई है, जो कि मैंने इसके पहले का भी जो टेक्निकल एनालिसिस किया था उसमें भी सप्लाई के बारे में मैंने बात की थी और अभी भी वो सप्लाई पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है। लगभग जो आप देख पा रहे हैं 758 से लेकर तो 828 का यहाँ पर एक मंथली सप्लाई है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक जो लास्ट 4-5 मंथ का ट्रेडिंग सेशन है इसमें एक अप ट्रेंड इस्टेब्लिश हो चुका है और उसी के चलते अगर लास्ट 2 मंथ के कैंडल को देखेंगे तो 795 एंड 782 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर चुका है। अब चलेंगे हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मींस वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे वीकली ट्रेंड अभी भी हमें अप देखने को मिल रहा था, बट अगर मैं इन टू लोस को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं इसका जो वीकली ट्रेंड है वो डिस्टर्ब हो चुका था इस मंथली मींस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई में आने के बाद। उसी के साथ अगर हम इस वीकली चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीकली सप्लाई था जो जस्ट अपने मंथली सप्लाई के सामने ही हमको देखने को मिलता है, 760 से लेकर तो 727 का। और अगर आप यहाँ पर लास्ट 4 वीक के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। उसी के साथ इस मंथली सप्लाई में यहाँ पर एक वीकली सप्लाई था जो लगभग 817 से लेकर तो 804 का है और ये जो एक शूटिंग स्टार का जो कैंडल बना ऑन वीकली बेसिस पे, ये जस्ट अपने मंथली सप्लाई के अंदर जो वीकली सप्लाई है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आके ही हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो 718 के पास स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और लगभग यहाँ पे अगर हम इस वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ हमें लोअर टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है अगर हम टू हाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब चलेंगे हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स डेली चार्ट पर, और वहां पे देखेंगे कि किस तरीके के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट पे ये जो डाउन ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड लाइन आ रहा है वीकली चार्ट से, बट अगर हम यहाँ पे जो रिसेंट 2 हाईज हमें देखने को मिल रहे हैं उनको अगर कनेक्ट कर दे तो लगभग इस तरीके का यहाँ पे एक डेली डाउन ट्रेंड लाइन बन रहा था जो इस कैंडल के साथ में ब्रेक हुआ और उसी के साथ यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। अगर आप ट्रेडर्स है या फिर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि गैप जो है अगर वो ट्रेंड लाइन के पास में है तो यहाँ पे सपोर्ट और डिमांड जोन की तरह रिएक्ट करता है। तो जब भी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस 679 के पास आता है तब हम इसमें फिर से एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा 723 का। अब मैं आपको लेकर चलूंगा कि अगर ये प्राइस यहाँ आता है तो हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि हम डिमांड सप्लाई बेस्ड जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो किस तरीके से डिमांड सप्लाई को ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये 7 अप्रैल 2021 का मैंने जीरोधा में अलर्ट लगाया था कि एक्सिस बैंक का अगर स्टॉक का प्राइस 664-662 के बीच आता है तो मैं 652 के स्टॉप लॉस के साथ में मेरा टारगेट रहेगा 715 का और ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ 7 अप्रैल 2021 को। अब आप चलेंगे एक्सिस बैंक के डेली चार्ट की ओर और वहां पर देखेंगे हम 7 अप्रैल में क्या प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला। तो ये जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है वो है 7 अप्रैल को, अगर आप देखेंगे तो हमें अर्ली मॉर्निंग में ही क्या हुआ, जैसे मार्केट ओपन हुआ वैसे ही हमें यहाँ पे एक अलर्ट आ चुका था और उस अलर्ट पे हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। तो हम चलेंगे
लोअर टाइम फ्रेम पे, मींस 5 मिनट के चार्ट पे, और 5 मिनट के चार्ट पे मैं दिखाऊंगा। उससे अच्छा 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे आएगा नहीं, मैं आवरली चार्ट को यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि इस ये जो ट्रिगर है जो हमने डिमांड और सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस किया था, उसका मकसद इतना है कि 7th को क्या प्राइस एक्शन हुआ और हमने क्या लिया। ये देखिए, ये 7th का ट्रेडिंग सेशन का आवरली चार्ट है, और मेरा ट्रिगर था अगर 664 से लेके तो 662, जैसे कि आप देख पा रहे इस रेंज में अगर प्राइस आता है तो हम बाय करेंगे। तो ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि 669 के आसपास हमें प्राइस आता हुआ दिखा, और हमने देखा कि प्राइस हमारा जो हमको बाय करना था वो 664 पे बाय करना था, यानी यहाँ पे जब भी अब जो आपको मेरा ये जो कर्सर है दिख रहा है, और 664 तक हम इसे वेट कर सकते थे, तो मेरा स्टॉप लॉस 654-55 के आसपास रहता। बट आपने देखा कि प्राइस डिमांड जोन के अंदर आया और यहाँ से अपसाइड रैली जाती हुई दिखी, तो हम किसी भी स्टॉक को पकड़ेंगे नहीं, उसके पीछे दौड़ के उसके पकड़ेंगे नहीं। हमारा जो बाइंग रेंज था वो था 664 से लेके 662। अगर इस रेंज में प्राइस आता तो हम इसे बाय करते, और उस कंडीशन में हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता। ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखना चाहिए, और आपने देखा कि प्राइस आया नहीं, प्राइस यहाँ से अप गया, और सेकेंड टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था वहीं पे प्राइस ने उसके नीचे प्राइस ओपन हुआ, एक हाई बनाया 655 के आसपास, और प्राइस ने फिर से एक लोअर लो बनाया। तो ये जो डिमांड सप्लाई बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसमें ये डिमांड जोन इनवैलिड हुआ, तो इसलिए हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया। आई होप कि आपको ये टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।